here to subscribe. मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। चूचू शहर की एक नई सुबह। ओ देखो, डीजल आ गया। डीजल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीटीपो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मैंने सुना तुमने बहुत गलतियाँ की अपने पहले दिन। हाँ, शुरुआत में तो सब गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। सच में तुम शुरू से ही अच्छे थे। बिल्कुल, मेरे काम का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था। हुआ कुछ यूं। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आ गए तुम, कमाल की रेल डीजल। हाँ, ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ मिस्टर हब। सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला रूट है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। रुकिए सर। कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही याद कर लिया। ओ कमाल कर दिया, तुम सबसे अच्छे हो। तो अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। जाओ डीजल जाओ, चूचू शहर का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। फिर अपने पीछे मालगाड़ी की लंबी लाइन लेकर मैं बंदरगाह की ओर चल पड़ा। हेलो। हाँ, जरूर वही मशहूर डीजल हो गए तुम, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा सामान है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। वाह, मतलब जो सुना था वो सच है, तो लोड करता हूँ। ये दो, ये तीन, लो हो गया। मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलता हूँ। बाय, ध्यान से जाना। ये मैं चला। मुझे लगता है ये ट्रेन डीजल है। मैं उसका फैन हूँ। इतना भारी सामान अपने पहले ही दिन खींच कर ले जाने वाली मालगाड़ी सिर्फ मैं ही हूँ। मजा आया? बहुत ज्यादा। आना ही था। तुम्हारी शिफ्ट का समय हो चुका है। ठीक है मिस्टर हब, फिर मिलेंगे, मुझे जाना है। मुझे विश्वास है तुम अपने रूट पर बेहतर करोगे। शुक्रिया। ठीक है, मैं बेहतर कर सकता हूँ। आज मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करूँगा। टीटीपो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोडक्शन प्लांट की तरफ चल पड़ा। तो टीओ, सफर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा और आरामदेह। प्लेटफॉर्म पर रुक कर दिखाओ। ठीक है, मुझे धीरे हो जाना चाहिए। मैंने कोर्स पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया टीटीपो। सुनो टीओ, क्या मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं? क्यों नहीं, जितना चाहो उतना कर लो, मैं तैयार हूँ, अब चलो। बढ़िया। टीटीपो ने पूरे दिन प्रैक्टिस की और रात को चूचू शहर लौट आया। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। कभी झटके से मत रुको, हमेशा धीरे हो जाओ। टीटीपो। हाय जीनी, इतनी रात को क्या कर रहे हो? कल तुम्हें काम करना है। हाँ हाँ, और कल मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे, चिंता मत करो। शुक्रिया जीनी, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर सोऊंगा। ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो अब फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसे तो वो बहुत थक जाएगा। ढलान पर कभी तेज मत चलो। टीटीपो, तुम्हारे रूट का समय हो रहा है, तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। मिस्टर हब, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देर क्यों हो गई? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा क्या? मैं माफी चाहता हूँ। यात्री इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी करो। ठीक है। अरे नहीं, आज तो दिन की शुरुआत ही गलत हुई। कोई बात नहीं, अच्छा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चलो चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं। अरे बच्चे, क्या हो रहा है ये? इतनी धीरे क्यों चल रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो।
मुझे झपकी आ गई होगी। टिटी पो ध्यान दो। लो पहुंच गए, रुकने से पहले रफ्तार कम करो। हम स्टेशन पर पहुंच गए। ओह, मैं पहले रुक गया, निशान पर नहीं रुक पाया। ओह जरा एक मिनट रुकिए। आप सब उतर सकते हैं अब। मेरे सर में चक्का ही लगाना था तो बता तो देते कम से कम। टिटीपो टिटीपो टिटीपो। हाय दोस्तों, क्या बात है? फिर से गलती हो गई? हाँ, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। फिर से हो गई? कोई बात नहीं, हर ट्रेन से शुरुआत में गलती होती है। सबसे नहीं होती, डीजल ने बताया वो शुरू से ही अच्छा था। क्या? ये डीजल? हाँ, दूसरी ट्रेन्स ने उसकी तारीफ भी की थी। डीजल, तुमने फिर से डींगे मारनी शुरू कर दी? नहीं नहीं, मैं तो टिटीपो, मैं बताती हूँ असल में क्या हुआ था। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओ, ये क्या डीजल? एक दो तीन चार पाँच, तुम्हारे साथ इतनी सामान गाड़ी क्यों लगी है? बहुत ज्यादा तो नहीं है। अभी तुम बिल्कुल नए हो, इसलिए ज्यादा भार खींचना ठीक नहीं है। मैं संभाल लूंगा, डरिए मत। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम दो ही माल डब्बे लेकर जाओगे। ठीक है सर। हाँ, वैसे इतने ज्यादा भी तो नहीं थे वो। हाँ, वो अंदर गए। ओह, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। मैं चुपचाप निकलता हूँ। वाह, ये बंदरगाह कितना सुंदर है। हेलो मिस्टर क्रेनी, मैं नई मालगाड़ी डीजल हूँ। हाँ, तो काम का पहला दिन है। हाँ, एक मिनट रुको बच्चे। एक, दो, और हो गया। इतने ही मिलेंगे मुझे? मैं इससे ज्यादा ले जा सकता हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ऐसा है बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ज्यादा ले जा सकता हूँ। सच में? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं रख देता हूँ। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। अब तो खुश हो तुम? पटरी पे ध्यान से चलाना। ठीक है, गुड बाय मिस्टर क्रेनी। गुड बाय, मिलते हैं बच्चे। हाँ, जरूर नया होगा। इतने सारे सामान के साथ तेज चलना खतरनाक होता है। मैं हर काम इतना अच्छा कैसे कर लेता हूँ? अब अपनी रफ्तार को आजमाता हूँ। तो डीजल अपने काम के पहले दिन पर जमीन पर गिर गया था। अगर सही समय पर उसकी मदद नहीं की जाती तो वो दोबारा चूचू टाउन नहीं आ पाता। सच में? ये है सच्चाई। गलत बात डीजल, उस दिन तुमने मुझे वो झूठी कहानी क्यों सुनाई थी? वो मैंने झूठ बोला था, पर ये भी तो सच है कि हम सब पहले दिन गलती करते ही हैं। क्या? मुझे तो याद नहीं। क्या गलतियाँ की थी? वो कहानी मैं सुनाता हूँ। जीनी के पहले दिन सुबह बहुत बरसात हुई तो पटरियों के आसपास पानी जमा हो गया। चीनी ने ध्यान ही नहीं दिया और कीचड़ उछलकर उस पर लग गया। हेलो दोस्तों। हेलो। हंस क्यों रही हो? मॉम, उस रेल को देखिए, कितनी गंदी है। ऐसे नहीं बोलते बेटे। क्या, इसने कहा मैं गंदी हूँ? हैरानी की बात है। मुझ पर कीचड़ लग गया, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। काश मैं इसे धो पाती। और जीनी अपने कीचड़ वाले चेहरे से इतनी परेशान थी कि वो एक स्टेशन पर रुके बिना ही चली गई। मैं क्या करूं? और वो रास्ता भूल गई।
ये हम समुद्र के ऊपर कहाँ जा रहे हैं? सीगल, इतनी बड़ी गड़बड़ की थी इसने। तुमने भी तो मेरी बात बताई थी। हाँ, लेकिन मैंने बढ़ा चढ़ा कर नहीं सुनाई थी। पर मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है। ये ठीक नहीं है। तुम तो बोलो ही मत ये सब। बस बहुत हुआ, झगड़ना बंद करो। शुक्रिया दोस्तों। पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम दोनों ने गलतियाँ की होंगी, लेकिन तुम्हारी कहानियाँ सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ टिटी पा। एक बात कहूँ, मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मुकाबला नहीं डीजल। दूसरी रेलगाड़ियों से भी गलती हो जाती है। टीटीपो, मुझे विश्वास है कि कल तुम बेहतर करोगे।